हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा कलेक्शन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंटेड लॉन कलेक्शन, जो कि साहिल का होने वाला है वॉल्यूम 5। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल आपको प्योर लॉन में मिलेगा। एंड साहिल देखिए, अगर आप इन केस आपको ओरिजिनल भी लेना है बट आपको रीजनेबल कॉस्ट में भी चाहिए, मीन्स थोड़ा सा लेस प्राइस में चाहिए, तो आई थिंक साहिल ब्रांड ऐसा है कि जो आपको रीजनेबल भी देता है एंड लॉन फैब्रिक भी देता है। हाँ, भले क्वालिटी थोड़ा सा बहुत ज्यादा एकदम वैसे वाली नहीं होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू रेंज बहुत अच्छी है। एंड ये ब्रांड ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहता है। तो अब मैं आपको टोटल इसमें 10 पीसेस दिखाने वाली हूँ। प्रिंटेड कलेक्शन होगा तो उसमें मतलब आपको इतना ज्यादा उसमें बस आपको प्रिंट चेक करना है, एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल हमारे पास 10 पीसेस होने वाले हैं और 10 अलग अलग शेड में सारे बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट हम लोग कर देते हैं क्योंकि ज्यादा है दिखाने हैं और वीडियो ज्यादा लंबी करनी नहीं है। तो चलें, जब मैं पहला आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये हमारा येलो शेड में होने वाला है, ब्राइट येलो है, मतलब इतना भी ज्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन हाँ कलर बहुत ज्यादा अच्छा है इसका। एंड क्योंकि काफी देखिए, आप लोग काफी लोग पूछ भी रहते हैं मुझसे प्रिंटेड लॉन के लिए, क्योंकि आप काफी जगहों पे विंटर्स इतनी नहीं होती हैं, तो आप लोग के ज्यादातर मतलब चाहिए तो लॉन में ही चाहिए होता है, तो मैं इसीलिए हम लोग ये वाला लेकर आए हैं। एक मिनट में देख लू पहले, ये देख ले। अब यहां से ये आपका फ्रंट होने वाला है, ये देखिए, ये अच्छे से पकड़ लेते हैं। देखिए प्रिंटेड में आपको बताऊं, आप जब ऐसे करके पकड़ेंगे तो काफी बार क्या होता है कि फैब्रिक जो है आपको ये लगेगा कि वो टेढ़ा चल रहा है, वो टेढ़ा नहीं होता है। अगर जब स्टिचिंग होगी तो वो जाहिर सी बात है आपका ये जो बीच में से अटैच्ड होता है ये कट होके तभी उसमें होता है, तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन ऐसे पकड़ के दिखाने में आपको लगेगा कि टेढ़ा है बट वो टेढ़ा नहीं है। प्रिंट आप चेक कर लीजिए, लाइट येलो शेड है इसका और इस पर ये सब प्रिंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें आप लोग काफी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आपने वो नहीं बताई है इसमें बेल्ट वगैरह और ये सब, तो मैं आपको बता देती हूँ हाथ के हाथ आपको मेजर करके, जिससे कि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका 38.5 इसका आ रहा है, इसमें विड्थ आ रही है इसकी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मेरे ख्याल से तो एक्सएल एंड डबल एक्सएल दोनों चीजें इसमें बन जाएंगी, दोनों साइज में इजिली आप लोग बना सकते हैं। एंड लेंथ भी इसकी अच्छी है, लंबी है। ठीक है, लेंथ भी मैं अभी आपको मेजर करके बता दूंगी, जैसे कि ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा, और सब पीसेस में सेम मेजरमेंट रहेगा तो फिर आप बाद में सिर्फ और सिर्फ इसका वो चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रिंट दिया हुआ है। इसका देखिए 43 या 44 के अराउंड आपका बनेगा, मीन्स रेडी दिया है इसमें, थोड़ा बहुत आई थिंक बन तो जाएगा इसमें, तो आप ये मान लें कि आपका स्टिच होने के बाद 42 तक रह जाएगा इसमें, 42 या 43 आपके ऊपर है। अगर इनकेस आपको और इसमें लेंथ लंबी करवानी है तो आप इसमें नीचे लेस वगैरह या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, अगर इनकेस आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है और आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ी बहुत एक्सेसरीज ऐड करवा के इसको अच्छा कर सकते हैं और लेंथ भी लंबी हो जाएगी आपकी। ये स्लीव्स है, स्लीव्स की देखिए आपको या तो एल्बो तक रहेगी या फिर उसके थोड़ा सा आगे आ जाएगी और फुल भी बन सकती है, तो मैं मेजर मैंने एग्जैक्टली करा हुआ नहीं है इसका, तो ये वाला पार्ट आपको स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ अब बैक वाला पार्ट, ये देख लीजिए, ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, बैक पर भी कुछ हद तक सेम प्रिंट दिया है, ये देख लें, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, कलर बहुत ब्राइट है तो एकदम अच्छा सा लुक दे रहा है। ये लाइट येलो शेड में इसके बॉटम का फैब्रिक दिया है। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमें जो इसका दुपट्टा दिया है, दुपट्टे का लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छा होगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लेंथ एंड विड्थ में। ये देख लीजिए आप दुपट्टे का प्रिंट चेक कर लीजिए, ये देखिए ये फुल दुपट्टा है इसका। प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में भी कर दूंगी, और वीडियो तो देखिए जाहिर सी बात है लंबी होनी ही है क्योंकि टेक्स्ट चीज है, मुझे सब बताना है। मैं लेंथ एंड विड्थ नहीं बताती हूँ तो भी आप लोग शिकायत करते हैं, वीडियो लंबी होती है तो भी आप लोग शिकायत करते हैं, आप लोग हर बात में शिकायत करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको सारे पीसेस एक ही वीडियो में दिखा दूंगी, आप बस इसके प्रिंट वगैरह चेक कर लीजिए। देखिए ये इसका कार्ड है, कार्ड अब आप खुद देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज लिखी हुई है,
क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग ये भी कहते हैं कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, कार्ड पूरा नहीं है ये, तो आप लोग सब देख लीजिए इसका एग्जैक्ट कार्ड कैसा दिया हुआ है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें किस टाइप का प्रिंट है, किस टाइप का ये होने वाला है। ये देखिए, ये हमारा जो शेड है ये डार्क पिंक है, मेजेंटा शेड भी कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका ओवरऑल लुक आ रहा है। एंड ये देखें आप, ये नेक पर इसके प्रिंट दिया हुआ है, नेक लाइन का प्रिंट है ये, ठीक है। और बाकी सिंपल सोबर है, मतलब इतना कोई ज्यादा इसमें भरा हुआ प्रिंट नहीं है, इसमें सेल्फ में प्रिंट है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन दिया है, सेल्फ में प्रिंट मिलेगा आपको। बाकी एक और इसमें नेक लाइन पर प्रिंट है, एंड साइड में ये एक अलग पट्टी दी हुई है, अगर इन केस आपको इसको हटवा के आपको कहीं और डिजाइनिंग डलवानी है तो आप यूज कर सकते हैं इसे। अब आप देख लीजिए इसका फुल लुक कैसा है, ये देख लीजिए। और ये आपका नीचे दामन होने वाला है, ये आपको स्टैम्प भी मिलेगा, ठीक है, तो सब चीज आपको इसमें मिलेगी। और ऑथेंटिक चीज है, ओरिजिनल कह रहे हैं तो ओरिजिनल ही देंगे। बाकी देखिए फैब्रिक क्या होता है, अगर इनकेस आपने पहले बिन साइड पहना हुआ है या फिर आपने कोई और ब्रांड का लॉन पहना हुआ है, तो ब्रांड के अकॉर्डिंग जो लॉन की क्वालिटी होती है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखें, अगर इनकेस आप पहली बार इसको ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि बिन साइड का बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, मतलब उसका फैब्रिक अलग है, इसके लॉन की क्वालिटी अलग है, ठीक है। तो ये देख लें, ये बैक वाला पार्ट है इसका, बैक पर प्रिंट है ये, और ये सेम यहां से नीचे ये अब आ गई आपकी स्लीव्स, स्लीव्स भी सिंपल है, प्लेन है, ठीक है। और अब हम आपको दिखा देते हैं इसका बॉटम का फैब्रिक, ये बॉटम का फैब्रिक है, डार्क शेड है बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह लें कि मेहरून सा शेड दिया हुआ है बॉटम का। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा, ये देख लें, ये दुपट्टे का दिया हुआ है कलर शेड, मतलब जो कॉम्बिनेशन है इसका, देखें ये कुछ भी नहीं है, ये बस ये है कि ये धुल के साफ हो जाएगा, हल्का सा इसमें धूल लग गई है, ठीक है, डर्ट लग गई, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये दाग लगा हुआ है, दाग नहीं है, ये धुल के साफ हो जाएगा। वैसे भी आपको देखिए, जो जब भी आप लॉन का आप ले रहे हो तो उसे पहले श्रिंक जरूर करवाइए, अगर इन केस आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, वैसे जो लोग जो लेते हैं इसको उनको पता होता है, आप स्टिच करवाने से पहले इसको श्रिंक करवाइए, तो ये सब जो चीजें हैं ये ऑलरेडी वॉश में निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा दुपट्टा हो गया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा थर्ड डिजाइन, ये देखिए, ये हमारा डार्क ब्लू शेड में होने वाला है। देखिए डार्क ब्लू शेड है, मैं खुद बता रही हूँ डार्क ब्लू शेड है, अगर इन केस आपको वीडियो में ये लग रहा हो कि थोड़ा बहुत इसमें मतलब ब्लैक की जैसा, तो ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू शेड है, उस पर व्हाइट और पिंक है, इन कलर्स का प्रिंट हो रहा है। मैंने जो अभी रिसेंटली बिन साइड प्रिंटेड पे वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें भी आई थिंक सिमिलर था डिजाइन थोड़ा सा, क्योंकि इस पे जो है वो राजस्थानी प्रिंट टाइप का दिया हुआ है, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि मोस्टली लॉन में ओरिजिनल लॉन में ये इस टाइप के प्रिंट बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, तो बिल्कुल रेयर टाइप के पीसेस हो जाते हैं। आप ये देख लें, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये हो गया हमारा फुल फ्रंट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बैक दिखा देती हूँ, बैक भी देखिए इसकी सेम ही है, प्रिंट बैक पर भी सेम मिलेगा आपको, ये देख लीजिए, बैक पर ये सेम है प्रिंट। और ये हो गया नीचे, देखिए सीधी सीधी लाइन वो काटेंगे और आपकी इसमें स्लीव्स बन जाएंगे, स्लीव्स के लिए फैब्रिक वैसे भी ज्यादा ही दिया होता है। ये हमारा डार्क ब्लू शेड में बॉटम का फैब्रिक दिया है, ये भी लॉन में है, बॉटम दुपट्टा हो गया और शर्ट का फैब्रिक नीज टॉप का फैब्रिक हो गया, ये सब लॉन में दिया है, ठीक है, ये देख लीजिए। आपको ओरिजिनल बताया जा रहा है, ओरिजिनल ही दिया जाएगा, बाकी दूसरी बातें कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हमारी पर्सनल सब बातें हैं,
और आपको परचेज करना हो, आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो लंबी लग रही है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्राइस हम लोग उसको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, आप प्राइस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी हमारे पास आया एकदम चॉकलेट ब्राउन शेड में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका भी जो मैंने अभी ये दिखाया था येलो शेड में, ये देख लीजिए, ये सेम डिजाइन है, आप खुद चेक कीजिए, सेम है बिल्कुल, बस इसमें कलर का डिफरेंस है, ये आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए, मैं आपको बताऊं अब एक दूसरी चीज, प्रिंट दोनों में सेम है, जो इस वाले येलो वाले शेड में जो फ्रंट पे लिया हुआ है वो इन्होंने इसमें बैक पे ले लिया है, और जो इन्होंने बैक पे लिया हुआ है वो इन्होंने फ्रंट पे ले लिया, तो बात सेम है, प्रिंट आपके ऊपर है, आप जैसा भी उसको चाहो, आप जो लंबा वाला प्रिंट है वो आप बैक पे लेना चाहो तो बैक पे ले सकते हो, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो बस कलर का डिफरेंस है, वो तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसका लुक कैसा आ रहा है। बहुत अच्छा ब्राउन शेड है, एकदम लाजवाब लग रहा है, येलो और ये दोनों ही अच्छे हैं। तो चले, मैंने तो उसमें आपको फ्रंट एंड बैक करके बता दिया था, लेकिन इसमें ये है कि आप बैक एंड फ्रंट कोई भी बना सकते हो मॉडल पिक्चर में, वो देखिए मॉडल पिक्चर की जैसा ही आप बनाएं वो जरूरी नहीं होता है, काफी बार क्या होता है मॉडल पिक्चर में जिस टाइप की स्टिचिंग करी होती है वो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए भी करी होती है, कि काफी बार सूट को अट्रैक्टिव दिखाना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो वो लोग थोड़ा सा स्टाइलिश वे में स्टिच कर देते हैं, बट वो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो उसे स्टिच करवाओ। ये देख लीजिए, ये फ्रंट दिया है इसका, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट यहां तक, एंड ये हमारा हो गया बैक वाला पार्ट। ये देखिए, ये बैक वाला पार्ट हो गया है, ये सब इस पे जो आप देख रहे हैं ना कलरफुल, ये सब इस पे प्रिंट है। ये यहां से अब नीचे हो गई स्लीव्स, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये हमारा प्लेन चॉकलेट ब्राउन शेड में हो गया बॉटम का फैब्रिक, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ दुपट्टा इसमें किस टाइप का दिया है, ये देख लें, ये दुपट्टा दिया है, देखिए कलर अगर कुछ भी डिफरेंट हो रहा हो, कुछ भी मतलब जैसे आपको ब्लैक लग रहा हो या कोई भी कलर और लग रहा हो तो वो नहीं है, मैं जो आपको खुद से बता रही हूँ वो आप उस पर यकीन करें। इसका चॉकलेट ब्राउन शेड है, एकदम डार्क ब्राउन, तो वो ज्यादा प्रिटी लग रहा है इसमें, बाकी कुछ भी देखिए वो हो सकता है, मुझे भी नहीं पता कि क्या दिख रहा होगा, एग्जैक्ट कलर दिख भी रहा होगा या नहीं। ये हमारा लाइट ग्रीन शेड होने वाला है, ये देख लें इसका लुक किस टाइप का है, कि मैं आपको एक बात इस पे और कवर कर दूं कि जो ये फैब्रिक आप देख रहे हो ना, और तो उसमें क्या होता है कि ये कलर के अकॉर्डिंग भी लाइट एंड मतलब अब जैसे वो डार्क शेड था ब्राउन वाला, तो थोड़ा सा वो हार्ड लग रहा था मुझे हाथ में लेने में, थोड़ा सख्त था, और ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा लाइट है, तो वो कलर पे भी डिपेंड करता है काफी बार, ठीक है। तो आप देख लें इसको, और ये देखें इसमें यह है कि आपको लॉन्ग शिमीज बनवाने की जरूरत पड़ेगी या वैसे है, तो बाकी सब फैब्रिक वगैरह सब अच्छा है। और आप ये देख लीजिए, इसका लाइट ग्रीन शेड है, और ये इस पे प्रिंट हो रहा है, ये सब प्रिंट है, इसका बिल्कुल अलग डिजाइन है, ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा नीचे तक, ये बॉर्डर हो गया है। और अब हम मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बैक वाला पार्ट, ये देखिए ये इसके बैक वाला पार्ट है, और ये हो गई है हमारी इसके नीचे की स्लीव्स, ठीक है, लाइट ग्रीन शेड में इसमें बॉटम का फैब्रिक है, और ये हो गया डार्क ग्रीन शेड में इसका दुपट्टा, ये देखें, ये हो गया डार्क ग्रीन शेड में इसका दुपट्टा। देखिए कलर कॉम्बिनेशन जो बना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी हमें रिसीव हुआ है, आप इसका प्रिंट चेक कर लीजिए,
ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा, इसमें ये हमारा एक और खूबसूरत सा डिजाइन है, ये देखिए बिल्कुल अलग तरह का है। ये देखिए हमारा जो कलर है, मैं आपको बताऊं ना तो प्रॉपर ग्रीन है ना प्रॉपर ग्रे है, मतलब जो होता है ना थोड़ा सा मिक्स्ड अप कलर है। अच्छा होगा अगर कैमरे में एग्जैक्ट कलर आ जाएगा, बट बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कलर को। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका पहले फ्रंट वाला पार्ट। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है, ठीक है। ये सब आप देख रहे हो ना, इस पे प्रिंट है। जो इस ड्रेस का एग्जैक्ट कलर है ना, वो नहीं इतना ज्यादा विजिबल है, क्योंकि उस पे लाइट शेड का एक और ऊपर से प्रिंट हो रहा है, तो वो पूरा भरा हुआ प्रिंट है, तो इसलिए विजिबल नहीं है। इसका मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक और पीस दिखाया है सेम प्रिंट में, और ये साइड में इसमें पट्टी दी हुई है, तो आप इसको हटवा के अपने कुछ भी डिजाइनिंग करवा सकते हैं इससे। ये देख लीजिए अब आप इसका फुल लुक कैसा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट, ये देख लीजिए ये बैक वाला पार्ट है। एंड ये यहां से नीचे हो गई है स्लीव्स, ठीक है। स्लीव्स में भी क्या है कि आपको फैब्रिक पूरा मिलेगा, बाकी इसमें थोड़ा सा प्रिंट में काफी बार इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, तो उसमें परेशान मत हो जाया करें, ठीक है। तो ये हमारा इसको ना आप ऐसा कह सकते हो जो मेहंदी का कलर होता है ना, तो उसको डार्क थोड़ा सा कर दें, तो बिल्कुल वैसा लुक आ रहा है इसका। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है जो मैं आपको दिखा रही हूं अभी, सेम प्रिंट है दुपट्टे पर भी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दुपट्टा भी इसका। और अब दिखाते हैं जल्दी से हमारा, ये देखिए ये भी मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ, इसका थोड़ा सा जो मैंने बताया था थोड़ा सा बंदनी टाइप का प्रिंट आ रहा है, ये उसका पर्पल शेड है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है पीस, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इसका। देखिए सेम है सब कुछ, मतलब आगे फ्रंट वाले पार्ट में भी सेम प्रिंट है, बैक वाले पार्ट में भी सेम प्रिंट है, तो आपके ऊपर है मैं जिसे भी फ्रंट बताऊं जिसे भी बैक बताऊं। ये देख लें सेम है प्रिंट है, मतलब कोई नेक वाले एरिया का भी इसमें वो नहीं दिया हुआ है कुछ भी अलग से प्रिंट, सब सेम है, इसमें ऑल ओवर सेम प्रिंट दिया हुआ है फ्रंट पे भी एंड बैक पे भी। ये देखें आप इसे बैक कह सकते हैं, सेम है सब कुछ, ठीक है। ये बैक हो गया और ये नीचे हो गई इसकी स्लीव्स, ये स्लीव्स दी हुई है। और ये हो गया हमारा इसका लाइट पर्पल शेड में बॉटम का फैब्रिक, एंड ये हो गया दुपट्टा। ये देखिए ये दुपट्टा हो गया इसका, दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है, कलर तीनों का सेम है पर्पल शेड है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा थर्ड लास्ट डिजाइन है। ये थोड़ा सा ब्राउन शेड की जैसा है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना खाकी कलर होता है, वो थोड़ा सा लाइट कर दें आप उसे, तो बिल्कुल वैसा ही इसका कलर आ रहा है। ये देखिए ये हो गया। अभी मैंने इसका भी आपको दूसरा कलर दिखाया हुआ है, तो ये हमारा थोड़ा सा खाकी शेड में, आप इस पे चेक कर लीजिए। ये देखिए एंड ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट, ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है, प्रिंट आप देख लीजिए सोबर है, बहुत सोबर है। अगर इन केस आपको अपनी मदर्स को गिफ्ट करना है ना, तो यही डिसेंट पीस बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्लीव्स हो गई इसकी,
और ये इसका बॉटम हो गया है सेम शेड में, ये देखें ये बॉटम का फैब्रिक है। एंड जो इसमें दुपट्टा दिया है वो पिंक शेड में दिया है, फ्लावर से मैचिंग का दुपट्टा है। ये देखिए ये दुपट्टा है इसका, प्रिंट आप देख लीजिए, ऑल ओवर प्रिंट सेम है दुपट्टे में। हमारे दो पीस रह गए हैं, एक ग्रीन शेड में है और एक पिंकिश ऑरेंज शेड में है। ये देख लीजिए, ये मैं आपको पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन वाला दिखा रही हूं। इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, अलग तरीके से बिल्कुल इसका तय बना हुआ होता है। ये देख लीजिए आपके ऊपर है, आप कुछ भी, क्योंकि देखिए इसमें ना नेकलाइन वाला प्रिंट नहीं दिया है, तो आप किसी भी प्रिंट को फ्रंट या बैक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये आप देख लीजिए, ये एक साइड का प्रिंट ये वाला दिया है जिसमें कि बहुत छोटा छोटा सा प्रिंट है फ्लावर्स की शेप में, ठीक है। ये हो गया। एंड जो हमारा दूसरा साइड का प्रिंट है वो कुछ इस टाइप का है, भरा हुआ सा है वो, ये देख लीजिए। इसमें देखिए जो ये आ रहा है वो डार्क पिंक है, ये वाला जो शेड है वो डार्क पिंक है, एकदम रेड नहीं है। और इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ये व्हाइट लाइन के नीचे स्लीव्स दी हुई है, स्लीव्स का फैब्रिक है ये। एंड ये डार्क पिंक शेड में ही इसके बॉटम का फैब्रिक दिया है। एंड ये हो गया हमारा इसका दुपट्टा ड्रेस का, ये दुपट्टा चेक कर लें, दुपट्टा दोनों के डबल कॉम्बिनेशन में है, अच्छा लग रहा है बहुत। और चारों तरफ इसमें देखिए ऑरेंज का प्रिंट है, बीच में इसमें डार्क पिंक का प्रिंट है। अब दिखाते हैं आपको एकदम लास्ट, हमारी वीडियो का लास्ट डिजाइन होने वाला है वो ग्रीन शेड में होने वाला है। ये देख लीजिए, ये सेम इसी का है जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया है, सेम इसी का दूसरा कलर है और ये ग्रीन में एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में है। ये देखिए ये ग्रीन एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में है, सब कुछ आपको सेम मिलेगा, बस कलर का डिफरेंस है इसमें। और ये हो गया बैक वाला पार्ट, ये देख लीजिए ये प्रिंटेड बैक है इसकी। ये हो गई हमारी स्लीव्स, यहां से नीचे स्लीव्स वाला फैब्रिक है, सेम ग्रीन शेड में ही इसके बॉटम का फैब्रिक दिया है। एंड ये हो गया हमारा दुपट्टा, सेम प्रिंट है दुपट्टे पर, बीच में ग्रीन है, चारों तरफ साइड में ऑरेंज का प्रिंट है, ये देख लीजिए। ये देखिए ठीक है, तो हम मैंने आपको ऑल 10 पीसेस दिखा दिए इसके जो भी हमारे पास थे, और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप मुझे बता दीजिए। अगर इन केस मैं ये कहूंगी एक दो दिन बाद आपको मिल जाएगा तो आप एडवांस बुकिंग उसके लिए दे सकते हैं मुझे, और जब भी वो मेरे पास आएगा 1 या 2 डेज में, आज जैसे ही आ जाएगा मैं तब उसका डिस्पैच आपको फॉरन कर दूंगी, ठीक है। बाकी के मैं जो पीसेज रेडी स्टॉक में होंगे वो फॉरन डिलीवर हो जाएंगे। एंड देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, कूरियर का अगर कोई इशू है, मीन्स डिले हो रहा है, तो देखिए कूरियर का प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं होता है, हम उसमें कोशिश कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, बट वो अपने टाइम पर ही डिलीवर होगा, तो उसके लिए प्लीज आप परेशान मत हुआ कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पेमेंट सेंड करा है तो आपको कूरियर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन बस ये होता है कि कुछ दिन का डिले हो जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं पता होता हमें, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब सब्र करा करें। और कूरियर ऐसा नहीं है कि आपको मिसप्लेस हो जाएगा या नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा एक दो दिन का डिले हो जाता है काफी बार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।